सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। सो गाइस, ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, चलो मैं इसका आंसर देता हूं। सो गाइस, क्वेश्चन क्या था बच्चों का कि सर हम ऑप्शन को अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन नंबर वन में मान लो ए दिया हुआ है, इस ए के अंदर टोटल 1, 2 एंड 3 ऐसे तीन क्वेश्चन है, और उसमें से एनी टू मतलब दो सॉल्व करना है। सो गाइस, हमेशा एक चीज याद रखो जो आपके प्रदीप सर बोल रहे हैं, तीनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देख लो, एकदम ध्यान से फोकस कर लो, और देखने के बाद आपको ये फिक्स कर लो कि तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अगर आपको पहले एंड तीसरे का आंसर सबसे पहले आता तो गाइस सबसे पहले इसको और इसको ही लिखना स्टार्ट करो, इसको मत लिखो, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि आप अगर इसको भी पहले इसको लिख लेते हो फिर ये आपको अच्छे से नहीं आ रहा, फिर भी आपने इसको दूसरे नंबर पे लिख लिया। नहीं गाइस, आपको जो सबसे अच्छे तरीके से आता है उसको पहले अटेम्प्ट करो, और बाद में मैं तो बोलूंगा ऑप्शन की तरफ जाओ ही मत, क्योंकि ऑप्शन के को लिखने भी जाओगे तो उससे कुछ होगा नहीं, और आपको क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट आगे वाले क्वेश्चन के लिए होगा। सो क्या करना है आपको, जो एकदम फिक्स पहले ही फिक्स कर लेना है, कंफर्म कर लेना है कि ये दोनों में से मेरे ये तीनों में से सबसे अच्छी तरीके से मुझे कौन सा आता है, और उन्हीं दोनों को लिखो। तीसरे की जो आपको जिसमें कंफ्यूजन है उसको लिखने के लिए मत जाओ, क्योंकि गाइस आपने अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपको कंफर्म नहीं है, बट आपने आपने लाइन वाइज लिखने के चक्कर में फर्स्ट और सेकंड को इस तरह से लिख दिया, और थर्ड वाला आपको आता था, आपने इसको भी लिखा बट थर्ड नंबर पे लिख दिया, तो बहुत कम चांस होगा कि इसका मार्क्स आपको मिलेगा। इसीलिए गाइस दो क्वेश्चन को एकदम कंफर्म करके उसको ही स्टार्टिंग में लिखो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, और अगर और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो, क्योंकि उससे रिलेटेड हर डाउट आपके प्रदीप सर क्लियर करते हैं। जय हिंद दोस्तों।